द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गिरफ्तार हुआ है। उसने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी एक प्यारी सी तस्वीर पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाला तमिलनाडु भाजपा आईटी सेल का हेड है और प्रवीण राज उसका नाम है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी और अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया था। जनाब, अपने स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखिए। यह वही लड़का है, युवक है, जो बीजेपी आईटी सेल का वहां तमिलनाडु का हेड है। उस विंग का यह मुखिया एक अच्छी प्यारी तस्वीर को भी गलत तरीके से सोशल मीडिया में पेश कर बैठा था। इतनी गंदी टिप्पणी थी जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला जिस तस्वीर पर टिप्पणी कर रहा था, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें देखेंगे कि प्रियंका गांधी को दुलारते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। एक कार्यक्रम की तस्वीर है, सार्वजनिक तौर पर अपनी बहन से लाड लगाते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर पर इस युवक ने जो टिप्पणी की, जिसके बाद तो कार्रवाई तय थी। इस दोनों तस्वीरों को साझा किया है एमोक नाम के एक ट्विटर यूजर ने और उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लिखी है कि उस व्यक्ति का नाम प्रवीण राज है, तमिलनाडु भाजपा आईटी सेल विंग का सदस्य है। हालांकि ललन टॉप के मुताबिक आईटी सेल विंग का वो मुखिया है और बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में उसने एक बहुत ही स्लर और ऑफेंसिव आपत्तिजनक पोस्ट किया था उस तस्वीर को लेकर, जिसमें राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को दुलारते पुचकारते नजर आ रहे हैं। दोनों भाई बहन हैं, उनके रिश्तों पर इतनी गंदी टिप्पणी हुई थी। यहां पर बताया गया है जो उसने लिखा था कि he wrote that even when Rahul touches Priyanka, she pulls her hands from him and before Manipur, Priyanka must get justice for this। इनका कहना यह था कि देखिए, जब प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने छुआ, टच किया, तो वो अपना हाथ जो है वो खींचती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में जो मणिपुर में घटना घटी है, उनसे पहले प्रियंका गांधी को इस मामले में इंसाफ मिलने चाहिए। अब आश्चर्य होता है इनकी घटिया सोच पर, उस प्यारी से तस्वीर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कितनी खराब बात है। और वहां पर ये जो घटिया टिप्पणी कर गए, मणिपुर के एक घटना आपको याद होगी जो वीडियो वायरल हुआ था, कैसे महिलाओं को निर्वस्त्र करके उस दंगाई भीड़ ने जातीय संघर्ष के दौरान उनको खदेड़ा था, उनके साथ गलत काम किया था। और वो तस्वीर जब सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, पूरा देश आहत हो गया था। अब मणिपुर की घटनाओं से जोड़कर अब इसे ये लोग साझा कर रहे हैं और बता रहे थे कि यहां पर प्रियंका गांधी को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें दुलारा है। अब आश्चर्य होता है, ऐसे घटिया सोच वाले बीजेपी आईटी सेल में काम करते हैं और यहीं पर पुलिस ने इन पर एक्शन भी लिया है। जरा देखिए, आगे लिखा भी गया है कि यस्टरडे प्रवीण राज हुज ट्विटर अकाउंट इज संघी प्रिंस वाज अरेस्टेड बाय तमिलनाडु पुलिस फ्रॉम करूर एज सेड बाय डीएमके गवर्नमेंट नो टॉलरेंस अगेंस्ट हेटर एंड मिस इन्फॉर्मेशन नो मैटर हु डज इट ही डिजर्व्स बेल्ट ट्रीटमेंट एंड मस्ट बी केप्ट बिहाइंड द बार्स टू कीप सोसाइटी क्लीन एंड पीसफुल। सोर्स ललन टॉप का है। यहां कहा गया है कि प्रवीण राज, जो ट्विटर पर प्रिंस सांघी के नाम से जाना जाता है, उसे पुलिस ने करूर से गिरफ्तार किया है और यहां पर डीएमके गवर्नमेंट ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि घृणा और गलत सूचना फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, कौन है, किस पार्टी से है, कैसी भावना रखता है। अब इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ही डिजर्व्स बेल ट्रीटमेंट एंड मस्ट बी केप्ट बिहाइंड द बार्स, मतलब कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसे सलाखों के पीछे रखा जाएगा क्योंकि उसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर गंदी टिप्पणी की है। अब ऐसी टिप्पणी करने वालों को कोई कैसे छोड़ सकता है। प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों में बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। कोई उनकी सुंदरता पर तंज कसता पड़ता है तो कोई कभी कुछ बोल देता है। एक और ऐसा ही नेता गिरफ्तार हुआ था
वो पीएम मोदी का भक्त खुद को बता रहा था, कार्यकर्ता कह लें, भाजपा समर्थक कह लें, मोदी समर्थक कह लें। घटना 2019 की थी। उस वक्त भी प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। वो खबर हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि इस मैटर में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, जो बीजेपी आईटी सेल का प्रवीण गिरफ्तार हुआ है। लेकिन जरा ये देखिए आप, प्रियंका गांधी पर अश्लील टिप्पणी करने वाला हुआ गिरफ्तार। एनडीटीवी ने खबर छापी है, खुद को बताता है पीएम मोदी का भक्त। ये खबर थी 4 फरवरी 2019 की। प्रियंका गांधी पर इसने तस्वीर को छेड़छाड़ कर अभद्र टिप्पणी की थी, जो आपने स्क्रीन पर देखी। मामला बिहार से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर कुछ दिन पहले उसे ट्विटर पर पोस्ट कर अश्लील टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कटिहार नगर थाना प्रभारी रंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शख्स का नाम योगी सूरजनाथ है, जो सोशल मीडिया पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताता है। वह शहर के विनोदपुर इलाके का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह ट्विटर पर भाजपा के मिशन 2019 का उत्साही फॉलोअर है। हालांकि भाजपा के जिला इकाई प्रमुख मनोज राय ने कहा कि इस व्यक्ति का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। थाना प्रभारी रंजन कुमार ने बताया था कि राज्य के साइबर अपराध अनुसंधान विभाग के सूरजनाथ के 30 जनवरी के ट्वीट के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके खिलाफ यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता शाहिन सैयद ने की थी। गौरतलब है कि प्रियंका को हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया है। यह मामला 2019 का है। उस हिसाब से हमने आपको पूरे डिटेल बताए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोदी के भक्त हैं, भाजपा के समर्थक हैं और प्रियंका गांधी पर समय समय पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। तो ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी। अब यहां से आइए फिर से उस खबर पर आते हैं। ललन टॉप ने इस मामले में जानकारी जो दी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे शिकायत हुई थी, क्या मामला हुआ था। यह हेडलाइन में है, भाजपा नेता ने प्रियंका और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और गिरफ्तार हो गया। यहां बताया गया है कि तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इस नेता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। बीजेपी नेता का नाम प्रवीण राज है, पार्टी के आईटी विंग के मुखिया है, तमिलनाडु के करूर से धरे गए हैं। अब यहां पर देखिए कि उसने जो टिप्पणी की थी उस पर शिकायत किसने की थी। यहां लिखा गया है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक करूर कांग्रेस कमेटी ने इस पोस्ट के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर जिला साइबर क्राइम ब्रांच के अफसर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात प्रवीण राज के घर गए और शुरुआती पूछताछ के बाद प्रवीण राज को गिरफ्तार कर लिया है। और फिर जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो इसने इसे भी प्रचारित करना शुरू कर दिया कि उसे कुछ पब्लिसिटी इसी बहाने मिल जाए, क्योंकि आईटी सेल का आदमी है तो स्टंट तो करेगा। देखिए क्या बताया जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद प्रवीण राज ने पोस्ट किया कि पुलिस उनके घर में जबरदस्ती घुसी और सबने अपना आईडी कार्ड दिखाने से भी मना किया। करूर से कांग्रेस सांसद ज्योथमिनी ने प्रवीण राज के पोस्ट की निंदा की, लिखा कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इस मामले में ललन टॉप ने जानकारी दी है कि कांग्रेस कमेटी ने इस घटनाक्रम पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। इसमें लिखा गया है कि करूर जिला कांग्रेस कमेटी की शिकायत पर भाजपा के आईटी विंग के इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया है। राजनीतिक और सैद्धांतिक रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, लेकिन किसी भाई या बहन के बारे में नफरत भरी पोस्ट शेयर करना सिर्फ इसलिए कि वो राजनीति में शामिल है बिल्कुल गलत है। भाजपा की अश्लीलता और नफरत की राजनीति तमिल समुदाय के लिए ही बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब ऐसे में इन पर कार्रवाई हो गई है, गाज गिर गई है और ऐसे लोगों को चुन चुन कर निश्चित तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जो गंदी मानसिकता लिए घूम रहे हैं और किसी पे अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।